अब हम आराम से इन दोनों के निकाह की तैयारियों के बहाने महल में रहेंगे और धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहेंगे। अभी इन इंसानों का यकीन जीता है, जल्द ही जीत के इन सबको हरा भी देंगे। अब हम आराम करने जाना चाहते हैं, पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हमें आज इतनी खुशियां मिली कि हमारा पेट ही भर गया। कसम से चलते हैं। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि सगाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वाह चाचा वाह, इसमें 1500 साल के तजुर्बे की क्या जरूरत है। ये तो सीधी सी बात है, अगर सगाई होनी है तो पूरे मुल्क को सजाएंगे, महल को सजाएंगे, और तो और खाने की तैयारी करनी होगी। हाँ, शहर में ऐलान भी करवाना होगा। लारा लप्पा लारा जी, वाह मेरी सारा जी। खुशी में ना जीनू तुकबंदी करना भी भूल गया। माफी। पर अलादीन, इतना सब कुछ इतनी जल्दी कैसे होगा? अम्मी, तैयारियों में भले ही कोई कमी रह जाए, लेकिन प्यार में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखा अम्मी, मेरे साथ रहकर कितनी अच्छी बातें करने लगी है। खबरदार, मेरी होने वाली बहू को कुछ कहा तो पिटेगी तुम। खुश रहो मेरे बच्चों। अच्छा सुनो, अब जल्दी से ये तय कर लेते कि कौन कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा। अब मैं दावत की जिम्मेदारी संभालता हूँ। तब तो मेहमानों को बस कच्चे गाजर मूली ही खाने मिलेंगे। चीटू देखा, खामोश। एक्चुअली तुम खुश हो ना? वैसे जिन फूफी के आने से तुम इतना परेशान थी, वो तो हमारे लिए खुशखबरी बनकर आई है। काली चोर, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वही फूफी है। अगर तुम्हारा शक सही हुआ तो वो परवीना फूफी ना हुई, कोई और हुआ तो? अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दो और सगाई की तैयारियों में लग जाओ। जो हुक्म है सुल्ताना। अब मेरी होने वाली मंगेतर। कसम सोने की अशरफियों की, नाजनीन ये मंगनी हरगिज नहीं होने देगी। इस मनुष्यत को किसी की नजर ना लगे बेगम, पर तुम्हें इस मंगनी से दिक्कत क्या है? यह समझो, अगर अलादीन और सुल्ताना की मंगनी हो गई तो रुखसार सुल्ताना की सास बन जाएगी। तो तुम खास बन जाना, दो पल के लिए अपना ये मनहूस मुंह बंद रखोगे और मेरी बात सुनोगे। अगर अलादीन और सुल्ताना की मंगनी हो गई और फिर उनका निकाह हो गया तो रुखसार सुल्ताना की सास और मलिकाए आलिया की समधन बन जाएगी। फिर हमारी औकात दो कौड़ी की नहीं रहेगी, भिखारी बन जाएंगे हम, भिखारी। अल्लाह, वो दिन जल्दी आए। अल्लाह के नाम पे इस मुस्सू को कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे इस मुस्सू को कुछ दे दो बाबा। अगर तुम्हें इस बात से दिक्कत है तो फिर तुम करोगी क्या? नाजनीन क्या करेगी ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मुस्सू समझे? समझा।
पंखा घेलो। शुक्रिया मुस्सू। नहीं छोड़ा, दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा, फिर तुम और मैं मिलना कैसे छोड़ दे? इश्क की कोई वजह नहीं होती ना थोड़ी, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। नकचड़ी तुम मेरे कमरे में? तुम्हारा नहीं, हम दोनों का कमरा। इतनी भारी कैसे हो गई? भारी नहीं प्यारी, मोहब्बत की उमारी, बनूंगी तुम्हारी सहारी, मेरा मतलब सारा। जे चिनू, ये तुम क्या बकबक कर रहे थे? अच्छा अब मैं बकबक कर रहा हूँ? भाइयों की बातें तो बकबक ही लगेगी जीनू, जनाब की सगाई जो हो रही है। अभी सगाई हुई नहीं है तो ये हाल है। अब सोचो अगर सगाई होगी, निकाह होगा, अलास्मिन होगी, तब क्या होगा? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि दुनिया के हर शौहर की तरह आका का भी वही हाल होगा जो मंजूरे बीवी होगा। वाह वाह वाह। भाई मेरा भाई, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत हो सकता है कोई भला? मेरे पास मोहब्बत है, अम्मी है, और मुझसे इतना प्यार करने वाले भाई, मुझे और क्या चाहिए? क्या बात कही है, वल्ला वल्ला हबीबी जा गई गरीबी, इतनी प्यारी बात पे रसगुल्ले तो बनते ही है ना? भैंस देती है दूध, मुर्गी देते हैं अंडे, आ जाए रसगुल्ले ठंडे ठंडे। फिर से मेरा जादू नाकामयाब हो गया। क्या किसी को रसगुल्लों की भूख लगी है? जिनी मिनी, तुम्हें कैसे पता कि जिनू को रसगुल्ले खाने? इसे कब रसगुल्ले नहीं खाने होते? ये प्यार की ताकत है गुल्लू,
जिसने चीनी मीनी को जीनू के दिल की बात बता दी। और ये जादू की ताकत से ज्यादा असरदार होती है। चिनी मिनी, यह आदर्श खुला तुम नक्षड़ी को दे सकती हो क्या? जी आधा रसगुल्ला उधर। वाह भाई वाह। वाह वाह छा गई गरीबी। इंसानों की दुनिया में एक बात तो है, खाना यहाँ जबरदस्त मिलता है। आदाब आदाब आदाब। मुस्तफा मिया आप? मुस्तफा नहीं, मुस्सू कहिए ना। दरअसल हम आपसे ये कहने आए थे, अलादीन के अब्बू मेरे बड़े भाई थे, वो तो अब रहे नहीं, इसलिए मंगनी से पहले उनकी तरफ से कुछ बात करने आया था आपसे। अच्छा, आप कितने जिम्मेदार चाचा हैं। पर सारी बातें हो चुकी है ना, इसलिए आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। अब सुल्ताना है बहुत खुशकिस्मत, भले ही अलादीन कुछ ना करता हो, कुछ ना कमाता हो, लेकिन है बहुत काबिल। अच्छा तो हम क्या करें? अलादीन पहले काला चोर बनकर चोरी करता था, लेकिन उसमें भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। अलादीन चोरी करे, खून करे या मरे, हमें क्या? अलादीन है ही सबसे अलग, बस वो दोनों खुश रहे, हम सब यही चाहते हैं। खुश रहेंगे, खुश ही रहेंगे। भाई अलादीन घर जमाई बनकर रहेगा, दोनों बाप दादाओं की दौलत पर ऐश करेंगे, खूब उड़ाएंगे, और महल को हम नौकर, मेरा मतलब है मैं और मेरी बेगम संभालेंगे। इस उम्र में भी अलादीन हमसे काम करवाता है ताकि हमारी हड्डियों में जंग ना लगे। जैसा भी हो, पर है अलादीन एकदम खरा सोना। अब तो इस बेवकूफ को यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। रात सावली, चांदनी उजली, इस बंदर को होगी खुजली। क्या हुआ मुस्सू? मुस्सू अब मंगनी में नाच गाना होगा ना, ना नाच गाना, उसी की तैयारी कर रहा था मैं, नाच गाने। ये ऐसे मैं चलता हूँ अभी तैयारी। हमें ना अलादीन की फिक्र है, ना सुल्ताना की, ना ही उन दोनों की सगाई की। हम बस एक मकसद के लिए आए हैं, जो हमें यकीन है कि हम जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। ओ फकीरों के सरदार, कहाँ चले? काम हो गया? काम तमाम हो गया बेगम, मैं चला। कसम सोने की अशर्तियों की, न जाने किसकी बद्दुआ लगी जो ये आदमी मेरे गले पड़ा। हसन हसन, सामने वाले खिलाड़ी इतने कच्चे हैं कि
खेल में मजा ही नहीं आ रहा। देखो ना कितने आसानी से हमारी बातों में आ गए। जाके बहादुर बहादुर, मलिका के दिल की बात दिमाग को पता नहीं चलती और दिमाग की बात दिल को पता नहीं चलती, तो किसी बाहर वाले को कैसे पता चलेगी? मलिका खुद को भूल सकती है पर अपने मकसद को नहीं। पर मलिका का मकसद है इस दुनिया के हर इंसान को जिन बनाकर अपना गुलाम बनाना और उन पर हुकूमत करना। इंसानों के बादशाह होते हैं और जिन्नात की होती है सिर्फ एक मलिका। तक जिन्ना जी हमारा मकसद सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा नहीं हुआ, एक मामूली इंसान की वजह से।